तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वंस अगेन आपके अपने चैनल रेसवा एकेडमी में। तो आज की क्लास होने वाली है मैथमेटिक्स परिवर्तन बैच की, और आज हम लोग सीखने वाले हैं एवरेज, यानी कि औसत से कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्जाम में, डायरेक्ट वो पॉइंट्स मैं बताऊंगा। तो इस चैप्टर को मैं टोटल 6 पॉइंट्स में आपको कवर कराऊंगा, और ये 6 पॉइंट ऐसे होंगे जिसमें एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, और आपको मालूम होना ही चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जाम बेहतरीन जाए तो आप इसको सीख लो अभी के अभी, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं जाएगा। नई चीज़ें सीखना है तो थोड़ा सा समय दो, और ये टॉप 6 पॉइंट आज ही आज अपने माइंड में रख लो, टॉप 6, और कॉपी और पेन लेके बैठना, क्योंकि एक एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो एवरेज से क्वेश्चन पूछते हैं, सबको मालूम है। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि ग्रुप वाला, कि किसी ग्रुप में, या क्रिकेट वाला दे देता है कि क्रिकेट टीम में एक व्यक्ति को हटाकर दूसरे व्यक्ति को, दूसरे प्लेयर को रखा गया है, तो औसत इतना बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, या फिर दे देता है कि कोई व्यक्ति किसी ग्रुप से निकल कर चला गया है तो ग्रुप का जो औसत है समूह का इतना हो जाता है। तो इन टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें मालूम है क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे, और आपको भी पता हो जाएगा आज के बाद। ठीक है, तो बिल्कुल लाइक करके स्टार्ट करिए, और सभी लोग पावरफुल तरीके से माइंड को ऑन कर लीजिए, और आते हैं हम अपने पॉइंट्स वाइज। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो आपके सामने ही लिखा है, जो कि सबको मालूम है यार, बच्चा बच्चा जानता है कि औसत या मध्यमान क्या होता है। तो सभी राशियों को जोड़ दीजिए और जितने राशि हैं उनसे भाग कर दीजिए, तो आपका एवरेज निकल जाएगा। ये एवरेज से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे सर, पूछ देगा कि कोई कोई क्या, मान लो कि आप ही हो किसी दिन 2 घंटे स्टडी करते हो, किसी दिन 3 घंटे, चलो किसी दिन आप 2 घंटे स्टडी कर रहे हो, किसी दिन 3 घंटे, किसी दिन 4 घंटे, और किसी दिन 5 घंटे स्टडी करते हो। तो पूछ देगा कि ये जो 4 दिन आपने स्टडी किया, किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 3 घंटे, किसी दिन 4 घंटे, और किसी दिन 5 घंटे, तो आपका इतने दिन जो स्टडी किए हो औसतन कितने घंटे आपने स्टडी किया, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। समझ गए बात? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो मैंने क्या बोला, सभी राशियों का योग, यानी ये जो राशि दी है 2 + 3 + 4 + 5, सभी का योग कर दीजिए, और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 नंबर है, 4 से डिवाइड कर देंगे। चलो बात हमारी समझ में आ गई सर, कि देखो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, ठीक है 14/4। अब 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12, ठीक है पॉइंट लगाओगे, और 4 5 20, तो 3.5 आवर आपका क्या है, डेली का क्या है, एवरेज है कि इतने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो। तो आप अपना स्टडी एवरेज निकाल सकते हो किसी दिन, देखो कोई चीज़ें फिक्स नहीं होती हैं, ट्रेन चल रही है किसी स्टेशन से किसी स्टेशन के बीच में खूब धड़ल्ले से लेके जाएगी, और कभी कभी सिग्नल ना होने की वजह से रुक रुक के जाएगी, तो बहुत सारे एवरेज होंगे। ट्रेन से भी क्वेश्चन पूछ देगा कि ट्रेनें हैं अलग अलग चाल से चल रही हैं तो उनका एवरेज पूछ देता है। ठीक है, ट्रेन जब आप सफ़र किए होंगे तो बहुत स्पीड में चलती है, लेकिन ओवरऑल उसका औसत देखा जाए कि आप दिल्ली से बनारस आ रहे हो, दिल्ली से बनारस आ रहे हो तो औसत उसको लगभग समय 10 घंटे लग रहा है, और एवरेज उसका अगर देखा जाए तो 45 से 60 के बीच में आ जाता है, जबकि ट्रेन चलती है तो 100 किलोमीटर की स्पीड से भी कहीं कहीं चलती है, कहीं 90 भी चलती है, कहीं 20 की स्पीड से भी चलती है। तो एवरेज हमें मतलब है कि टोटल टाइम में टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, यही आपका एवरेज होगा। समझ में आ रही है बात, क्वेश्चन कहाँ से पूछने वाला है। अच्छा, कभी कभी ट्रेन से एक क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा बार पूछा जा चुका है अब तक के एंट्रेंस एग्जाम में औसत का, कि यदि 2 ट्रेनें हों या एक ही ट्रेन हो, यदि एक्स और वाई चाल से 2 बराबर दूरियाँ चली हों, ठीक है अगर ये बराबर दूरी है, मान लेते कोई डिस्टेंस हो, इसको ये एक्स चाल से चलती है और सेम दूरी इसको ये वाई चाल से चलती है, ठीक है अगर अलग अलग चाल से सेम दूरी तय करें तो इनका औसत क्या होगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे और यहीं पे गलती करते हो कि आप सोचो कि इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन या फार्मूला पॉइंट नंबर 2 पे हम आते हैं, और इसमें बताया गया है, और इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, यदि एक्स और वाई चाल से 2 बराबर दूरियां चली गई हों तो औसत चाल बराबर होगा 2xy/2।
एक्स प्लस वाई। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, इस पर कोई क्वेश्चन बना दो तब हमें समझ में आएगा। तो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम का है। देता है क्वेश्चन कि दो बराबर दूरियां, दो ट्रेनें, एक 40 की स्पीड से और दूसरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय करती है, तो इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो औसत चाल पूछ रहा है, जिसको पहली दूरी 40 के, दूसरी 60 की, तो औसत चाल बराबर, यही फार्मूला लगा दीजिए, औसत चाल बराबर क्या होगा, 2xy। तो x की y कितनी है, पहली चाल 40, दूसरी चाल 60, अपॉन में इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 40 और 60 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1020 कैंसिल होगा, ठीक है, खत्म। 2 चौका 8 और 8 और 6 48, ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आपका इस ट्रेन का औसत चाल, जबकि आना चाहिए था 40 और 60 को जोड़ोगे 100 और 2 से डिवाइड कर देते तो 50 आ जाता, लेकिन 50 ना आके 48। और ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा, अभी भी याद रख लो, और ये पॉइंट्स जरूर लिख लेना कि यदि x और y चाल से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं आपको पॉइंट्स नंबर 3 पे लाता हूँ, और उसके बाद आप एक और क्वेश्चन तैयार कर लोगे। अब क्या है, एग्जामिनर जान चुका है कि ये क्वेश्चन आपको मालूम हो चुका है, ठीक है, दो दूरी वाली आपने क्वेश्चन जान लिए हैं, तो इसी में एक स्टेप अप आओगे तो तीन दूरी वाली हो जाती है, कि यदि पॉइंट्स नंबर 3 लिख लेना, यदि x, ठीक है, वाई और जेड तीन चाल हो, कितना, x, y और जेड चाल से, मतलब चाल अलग अलग है से, अब दो के जगह तीन बराबर दूरियां, तीन बराबर दूरियां, ठीक है, तीन बराबर दूरियां चली गई हों, ठीक है, चली गई हों, तो आपसे क्या पूछेगा, तो औसत चाल कितना होगा, किसी को मालूम है तो औसत चाल कितना होगा, औसत चाल, तो देखो जब भी तीन बराबर दूरियां हों, जैसे अभी आपने क्या दो पढ़ा, जब तीन हो तो इसके लिए औसत चाल का फार्मूला होता है 3xyz, यहाँ पे 2xy था, यहाँ पे 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, चलो नोट कर लिए आप, तो मैं अब पॉइंट्स नंबर 4 पे आता हूँ। तो थर्ड पॉइंट आपने नोट कर लिया है, तो थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं, और यहां से जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों का औसत 30 वर्ष है, उसके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है, कप्तान की आयु याद कीजिए। तो यू कह ले कि ये उस टाइप का क्वेश्चन है जब किसी समूह में कोई नया व्यक्ति आ जाए, तो समूह तो 10 लोगों का था, इसमें नया व्यक्ति कौन आया, कप्तान, तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करना, यहाँ पे नया व्यक्ति कप्तान है, टीम का कैप्टन है, इसलिए कैप्टन की आयु पूछा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन तो आपके सामने है, जब समूह में, ठीक है, समूह मतलब ग्रुप, समूह में कोई नया व्यक्ति आ जाए, मैं कोई नया व्यक्ति, साथ ही साथ सॉल्व कीजिए, आ रहा है तो नया व्यक्ति, ठीक है, जब समूह में कोई नया व्यक्ति कोई भी हो आ जाए, ठीक है, या शामिल हो जाए, चलो शामिल हो जाए हम लिख देते हैं, नया व्यक्ति शामिल हो जाए, तो क्या नए व्यक्ति की आयु, पॉइंट्स को नोट कर लेना, बहुत ही आपके माइंड को मालूम होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन है, तो नए, चलो यहां से लिखते हैं, तो नए व्यक्ति की आयु, चलो अब आप करो इसको सॉल्व, नए व्यक्ति की आयु, एक बात मैं बता दूं आपको, इस क्वेश्चन को करने में बहुत समय भी लग सकता है, क्योंकि क्वेश्चन इतना आसान है नहीं, नए व्यक्ति की आयु कितनी होगी, ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को आप अच्छे से, इसको पॉइंट्स नंबर 4 में लिखना, ठीक है, पॉइंट्स नंबर 4 में, और इसके साथ में आपको ये ट्रिक दे दे रहा हूँ,
अगर आप ट्रिक से करोगे ना तो कहोगे वाह सर आधा लाइन का भी आधा नहीं लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा चुटकियों में। अच्छा ट्रिक अब आपको जानना जरूरी है, तो अभी तक अगर आप लाइक नहीं कर लिए हो, कर लिए हो तो अच्छी बात, नहीं किए हो तो लाइक पहले कर लो, फिर मैं बताता हूँ कि किस ट्रिक से आप करोगे। इस टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन चाहे जितना भी हो ब्रह्मांड में आपके कलम के नोक पे तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, इसकी गारंटी है। जब भी किसी ग्रुप में नया व्यक्ति कोई शामिल हो तो नए व्यक्ति की आयु और ये क्वेश्चन वही का है, ठीक है। तो नए व्यक्ति की आयु बराबर, देखो जब भी नया व्यक्ति आएगा तो औसत आयु या तो बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी, ठीक है। नए यहाँ पे औसत आयु एक वर्ष बढ़ी है, वो क्वेश्चन में हो, बढ़े घटे हमसे मतलब नहीं। तो नया औसत यहाँ पे लिख लेना ट्रिक में कि नए व्यक्ति की आयु बराबर नया औसत, ठीक है। चलो नया औसत, ठीक है, प्लस या फिर माइनस भी लिखना, प्लस और माइनस। अगर वृद्धि हो रही है, ठीक है, वृद्धि हो रही है या फिर कमी होगी, ये तो सबको मालूम, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अगर वृद्धि होगी तो प्लस लगाना, कमी होगी तो माइनस लगाना, क्लियर है। क्लियर है सर, गुड़े पूर्व संख्या, पूर्व संख्या। अब इसको मैं समझा दे रहा हूँ आपको अच्छे से, ठीक है। ये आपका ट्रिक है, जब भी कोई नया व्यक्ति आ जाए तो नए व्यक्ति की आयु नया औसत, प्लस माइनस। वृद्धि हो रही है तो वृद्धि के साथ प्लस लेंगे, कमी हो रही है तो माइनस लेंगे, ठीक है, गुड़े पूर्व संख्या। बात समझना, पूर्व संख्या मतलब पहले कितने सदस्य थे, 10 थे। नया औसत कितना हुआ, तो पहले औसत क्या था, 30 वर्ष था, एक वर्ष बढ़ गया तो नया औसत कितना हो गया, आप बोलोगे सर 31, कितना हो गया 31 हो गया। प्लस वृद्धि हो रही है तो प्लस लेंगे, कितनी वृद्धि हो रही है, तो आप बोलोगे सर 1% की, ठीक है, एक वर्ष की ये वृद्धि हो गई। कमी होती तो यहीं पे माइनस लगा के एक लिखते, लेकिन वृद्धि हो रही है। अपूर्व संख्या, पूर्व संख्या कितनी थी 10, पूर्व संख्या कितनी थी 10, तो 10 से क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर गुणा का निशान है तो 10 से क्या करेंगे, गुणा, ठीक है। तो अब देखो 10 का गुणा 1 में करोगे 10 ही रहेगा, 31 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, आप बोलोगे सर 41 वर्ष। ये क्या है आपके लिए, ये कप्तान की आयु आपसे पूछा था, तो कप्तान की आयु कितनी आ गई, 41 वर्ष आ गया ना। मैंने क्या बोला था, एक लाइन का जो आधा लाइन होता है वो आधे लाइन का भी आधा आपका सॉल्व होगा, हो गया, बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आपको अपने माइंड में रखना है इस ट्रिक को, ठीक है। तो पॉइंट्स नंबर 4 में ये ट्रिक आप रख लो, आपका काम यहाँ से क्या होगा, आसान हो जाएगा। चलो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और इसके बाद हम पॉइंट्स नंबर 5 पे आते हैं। तो पॉइंट्स 4 आपका क्लियर है, अब हम आते हैं पॉइंट्स नंबर 5 पे, और 5 में एक क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि किसी कक्षा के 20 लड़कों का औसत 12 वर्ष है, मतलब क्लास में 20 लड़के जो थे उनका एवरेज कितना था, 12 वर्ष था। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, स्थानांतरण का मतलब क्लास वो छोड़ के किसी और कॉलेज में चला गया, मतलब स्कूल से वो निकल गया, अपना ट्रांसफर करा लिया किसी और कॉलेज में, ठीक है, जिससे औसत आयु 0.02 वर्ष की कमी हो गई, जो एवरेज एज था 12 वर्ष उसमें कमी आ गई। तो उस लड़के की आयु बतानी है, मान लीजिए आप ही हैं, आप अपने क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपकी क्लास का कुछ औसत आयु होगा, ठीक है, आपने क्लास छोड़कर कहीं और एडमिशन ले लिया तो क्लास का जो औसत आयु था 0.2 वर्ष कम हो गया, तो आपकी आयु कितनी रही होगी, क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन को कह सकते हैं जब किसी समूह से कोई व्यक्ति क्या हो, निकल जाए। उसमें इससे पहले क्या था, जब किसी समूह में कोई नया व्यक्ति आ जाता था, अब समूह में से कोई नया व्यक्ति चला जा रहा है। तो पॉइंट्स नंबर 4 के बाद पॉइंट्स नंबर 5 में लिखिए, जब, लिखते जाइए और अच्छा मजा आएगा आपको, कितनी अच्छी चीजें आपको एक क्लास में मिल जाएंगी, बहुत ही मजा आ जाएगा आपको। जब समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, ठीक है, कोई व्यक्ति निकल जाए, निकल जाए, चला जाए, चाहे जो भी उसकी मर्जी भाई, उसको नहीं अच्छा लगा चला गया, तो इसके लिए ट्रिक लिख लीजिए। ट्रिक क्या पूछेगा, जब समूह से कोई नया व्यक्ति चला जाएगा तो जाने वाले व्यक्ति की आयु ही पूछेगा, जो इसको छोड़कर गया है तो जाने वाले व्यक्ति की उम्र या आयु पूछेगा, लिख लेना, ठीक है। जाने वाले आ रहा है तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। जाने वाले व्यक्ति की आयु
कितने साल का रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको भी अगर आप करोगे ट्रिक से तो सेम उसी के जैसा, उसमें क्या था इसके पहले पॉइंट्स नंबर फोर में कोई नया व्यक्ति आ जाता था, इसमें नया व्यक्ति चला गया, तो जस्ट अपोजिट है तो फार्मूला भी जस्ट अपोजिट होगा। उसमें हमने क्या किया था, नया व्यक्ति आता था तो नया औसत लेते थे, इसमें व्यक्ति चला जाता है तो जस्ट उसी का, यानी कि नया औसत की जगह हम पूर्व औसत लेंगे, मतलब पहले जो औसत रहा होगा, ठीक है, पूर्व औसत। अच्छा अब इसमें क्या करेंगे, प्लस माइनस इसमें भी लगेगा, यहाँ पे हम वृद्धि और कमी लेते थे लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमी और वृद्धि लेंगे। क्या मतलब नहीं समझा सर, इसमें जस्ट अपोजिट क्या लिखे, मतलब कमी होगी तो प्लस लेंगे और वृद्धि होगी तो माइनस, जस्ट अपोजिट कैसे ना, इसलिए यहाँ भी चीजें अपोजिट हो जाएंगे, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, देखो उसमें पूर्व संख्या से हम लेते थे अब इसमें नई संख्या से, ठीक है, जस्ट उसी का अपोजिट। अगर ये की याद हो गया तो ये वाला तो जस्ट आपको उसी के अल्टरनेट रहेगा, अपोजिट आपको मालूम हो जाएगा क्या नई संख्या। देखो फार्मूला ट्रिक लिख लो, जाने वाले व्यक्ति की आयु, ठीक है, पूर्व औसत प्लस माइनस, कमी होगा तो प्लस लेंगे, वृद्धि होगा तो माइनस लेंगे, नई संख्या। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व इस ट्रिक से, देखते हैं तो क्या हो रहा है। पूर्व औसत जाने वाले लड़के के पूर्व औसत कितना था, आप बोलोगे सर 12 था, रख दीजिए प्लस। कमी हो रही कि वृद्धि, आप बोलोगे सर 0.2 वर्ष की क्या हो रही, कमी। कमी होने पे क्या लेंगे आप बताओ, कमी होगा तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। कितनी वर्ष की कमी हो रही है, आप बोलोगे सर 0.2 वर्ष की कमी हो रही है, मल्टीप्लाई नई संख्या। नई संख्या कितनी है, पहले 20 लड़के थे, 20 ग्रुप में 20 लोग थे, एक लोग चले गए तो अब कितने बचे, नई संख्या कितनी हो गई, 19 हो गई होगी ना, एक की कमी होगी क्योंकि एक लोग निकल लिए, ठीक है, तो 19 का गुणा 0.2 में करेंगे तो 19 गुना 38 यानी कि 3.8, तो 12 में 3.8 जोड़ दो, तो 12 में 3.8 जोड़ोगे तो 12 3 15 यानी कि 15.8, यानी कि 15.8 वर्ष उस जाने वाले स्टूडेंट की क्या रही होगी, आयु रही होगी। कितना आसान लग रहा है, लेकिन इसके लिए आपको अपने माइंड को यूज करना होगा, चीजें आसान होती नहीं है, आसान बनानी पड़ती है। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो ये आपके लिए बेस्ट क्लास है, आपको इधर उधर डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी अगर जिम्मेदारी ली है तो मैथमेटिक्स का एक एक पॉइंट्स आपको क्लियर कराऊंगा, चैप्टर नंबर 1 से लेकर कम से कम 40 से 45 चैप्टर में आपको कंप्लीट कराऊंगा, उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। अब तक अभी तो मैं 15वें चैप्टर पर चल रहा हूँ, लगभग 28 से 30 वीडियो मैं दे चुका हूँ, क्वेश्चन के भी दिया हूँ, ऐसा नहीं कि केवल क्लास करा रहा हूँ तो क्लास का भी क्वेश्चन भी कराया जाता है। जो लोग नए हैं उनको मालूम होना चाहिए, चैनल पे सारी चीज़ें मिलेंगी आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का सब मिलेगा, कंपटीशन लेवल का आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। तो अभी अभी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक अब तो कर सकते हो, और चैनल को तुरंत पहले सब्सक्राइब कर लो, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो पॉइंट्स नंबर 5 आपका क्लियर है, अब हम आते हैं पॉइंट्स नंबर 6 पे, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 हम आपको दिखाते हैं। तो 5 पॉइंट्स आपके क्लियर हुए, अब एक जबरदस्त सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन कह ले इस चैप्टर का, क्या होता है कि अब इस पॉइंट्स नंबर 6 में कभी कभी पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर मैं बताता हूं कैसे। एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किग्रा भार के एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया, मतलब एक लोग 80 किग्रा के थे उनको हटाकर दूसरे व्यक्ति को रख लिया गया, और अब औसत भार 3 किग्रा कम हो गया, मतलब 80 वाले को हटाए नए व्यक्ति को लाए जिससे औसत भार क्या हुआ, 3 केजी कम हो गया। तो नए व्यक्ति का भार, मतलब जो नए व्यक्ति को हम लाए हैं उसका भार क्या हुआ। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इसमें हो क्या रहा है, क्वेश्चन में एक तरफ एक लोग को हम हटा रहे हैं और दूसरी तरफ नए लोग को ला रहे हैं, मतलब जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को रख लिया जाए, ऐसा होता है क्रिकेट टीम में भी होता है, कोई अच्छा नहीं खेलता है तो उसको हटाकर हम दूसरे को लाते हैं, या फिर किसी भी ग्रुप में होगा जब जरूरत होगी कि इसको हटाना है किसी दूसरे को लाना है, तो जो नया लेकर आएंगे उसकी आयु पूछती है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं डायरेक्ट, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ, और आप सॉल्व कर रहे हो तो साथ ही साथ सॉल्व करो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स नंबर 6 में
किस टाइप के क्वेश्चन हमने सीखा, जब समूह में, जब लिख लेना अगर कॉपी पे लिखना चाहते हो तो जब समूह में, क्योंकि चीजें आप लिखे रहोगे तो हमेशा के लिए आपको क्या करेंगी, एडवर्टाइजिंग करने के लिए नहीं, एडवांटेज देने के लिए बनी है, आपको फायदा मिलेगा यहां से। जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर, ठीक है, व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति, ठीक है, कोई भी नया व्यक्ति रख लिया जाए या रखा जाए तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, नए व्यक्ति की आयु, यही तो पूछेगा, नए व्यक्ति की आयु या उम्र, नए व्यक्ति का उम्र कह लो, आयु कह लो, एज कह लो, वो आपकी मर्जी है, कितनी होगी। तो आप इसको करोगे तो हो सकता है लॉन्ग प्रोसेस जाए, ट्रिक से करोगे, चलो यहीं पे ट्रिक भी मैं लिख देता हूँ, ये ट्रिक में ही आएगा, ठीक है। तो नए व्यक्ति यानी जो नया आए हैं उनका एज कितना था ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने क्या बोला कि मेरे मैक्सिमम जो ट्रिक होते हैं एक से भी कम लाइन में सॉल्व आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो मैं बता देता हूँ, ये जो नए व्यक्ति हैं इनकी आयु आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो जो लोग गए हैं ना, यानी कि जो लोग निकल गए हैं, जो निकल जाते हैं उनको पहले रख दो, गए व्यक्ति की आयु, जो भी व्यक्ति गया हो, गए व्यक्ति की आयु, ठीक है, कॉपी में लिख लेना प्लस माइनस। अब ये चले गए हैं तो या औसत आयु या तो वृद्धि होगी या फिर क्या होगी, कमी होगी। पॉइंट्स विल बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, गुणे संख्या। अब यहाँ पे नई संख्या पूर्व संख्या क्यों नहीं लिखे, क्योंकि एक के स्थान पे दूसरा आया तो जितना पहले थे अब भी उतना ही रहेंगे, ठीक है, केवल यहाँ पे रिप्लेस हुई, इसलिए यहाँ पे केवल संख्या लिख दिया हूँ, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लिए होंगे, अब धड़ल्ले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताओ, और मुझसे पहले सॉल्व करके आंसर बताओ कि कितना आ रहा है, ठीक है, आंसर बताओ, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ और आपका आंसर मुझसे पहले आना चाहिए, ठीक है। चलो हम भी सॉल्व करते हैं। तो गए व्यक्ति की आयु कितने वर्ष वाला गया, तो आप बोलोगे 80 साल के जो आयु थे वो छोड़कर चले गए प्रूफ को, ठीक है। प्लस वृद्धि हो रही है कमी, पहले चेक करते हैं, तीन की ग्रह की क्या हो रही है, कम हो जा रही है, तो माइनस तीन लेंगे तीन की ग्रह, और संख्या, संख्या कितनी थी तो 6 थी, तो 6 लिख दो, तो 6 × 3 = 18, 80 में से 18 माइनस कर दो, आप बोलोगे सर कितना आएगा, 62 वर्ष, हो गया ना काम, एक लाख। इतना आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछता है, तो आप अपने माइंड को प्रेशर 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 देते रहते हो और उसके बाद माइंड हैंग हो जाता है, इसके चक्कर में 2-4 क्वेश्चन और नहीं कर पाते हो। तो अगर आप आज सीख गए होंगे तो ये क्वेश्चन भी कर लोगे और इसके खुशी में 2-4 क्वेश्चन और भी आप कर ले जाओगे, तो ये होता है एक गुड माइंड सेटअप, आप लेके चलोगे, अच्छी स्टडी करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेंड करोगे, करना आपको है, मैं केवल आपको तरीका बता सकता हूँ, ठीक है। और आप चाहते हो कि इसी तरह परिवर्तन बैच में सारी तैयारी आपको चले, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मिले, और प्रैक्टिस करने के लिए 10 से अधिक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन की सेट मिले, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना, 9628004708। जब इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लोगे या व्हाट्सअप कर देना कि सर मुझे परिवर्तन बैच में जुड़ना है, जहाँ पे आपकी तैयारी मात्र 30 दिन में कंप्लीट कराई जाएगी, इसकी गारंटी है, और अच्छे से बिल्कुल एक एक पॉइंट्स होंगे। तो ये रहा एवरेज के क्वेश्चन, इसके अलावा भी एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, अगर आपके पास टाइम है तो आप जाके उस वीडियो को भी मैं ही बनाऊँ, आप देख सकते हो, ठीक है, वो पुराना वीडियो है लेकिन काफ़ी आपके लिए हेल्प करेगा, तो आप ज़रूर उसको देखिए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की नए क्लास में, तो तब तक के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम बेस्ट, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना।